नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स क्या है को डील करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ और बात है। जैसे प्रकृति होता है, नेचर, वो आपका भी होता है, हमारे अंदर भी बैठा है, आपके अंदर भी बैठा है, नहीं? सबको अपने अंदर बैठे नेचर को तो समझना ही चाहिए। अब आपके नेचर को जो आपको ऑब्जर्व करेगा वो समझ लेगा, उससे पहले आप खुद समझ लीजिए, नहीं? जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई एसएससी का तैयारी करता है, कोई रेलवे की तैयारी करता है, कोई बैंकिंग की तैयारी करता है, तो तैयारी करता है तो एक बार तो वो सवाल पूछता होगा ना कि मैं इस चीज की तैयारी क्यों कर रहा हूं, मैं एसएससी की तैयारी क्यों कर रहा हूं, बीपीएससी की तैयारी क्यों कर रहा हूं। क्वेश्चन तो पूछता ही होगा, नहीं पूछता है तो पूछना ही चाहिए, आखिर आपके उस खास कंपटीशन की तैयारी करने के पीछे का कारण क्या है, नहीं? उसके हिसाब से फिर, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो एक मिशन के जैसा है, मिशन के जैसा है, एम्बिशन के जैसा है। एक बार तो सवाल पूछिए कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, कि आप भेड़ चाल की तरह अगर आप दौड़ रहे हैं, लगे हुए हैं, तो थोड़ा सोचिए, समझिए। ऐसा नहीं किसी को सुन लीजिए कि 14 घंटा पढ़ता था, 15 घंटा, 20 घंटा पढ़ता था, लग गया। आप अपने प्रकृति, अपने नेचर के अनुसार पढ़िए। 5 ही 6 घंटा पढ़िए, लेकिन ठीक से पढ़िए। इससे ज्यादा पढ़ने की सेल्फ स्टडी, 5 6 घंटा आप एकांत, 5 6 घंटा अगर आप अकेले रहते हैं, एकांतता में अगर ध्यान कर पा रहे हैं तो काफी है, अपने लिए निकाल पा रहे हैं तो काफी है। तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा प्रकृति को समझने के लिए, चाहे अपना हो चाहे विषय हो। विषय का भी अपने, हर विषय की भी अपनी प्रकृति होती है, हर विषय की अपनी एक भाषा होती है। मूल बात क्वेश्चन पूछना है। खैर, फिजिक्स क्या है इसको समझने के लिए जरूरी है कुछ क्वेश्चन पूछना तो पड़ेगा इसमें भी। आखिर फिजिक्स वास्तव में कौन समझ रहा है, फिजिक्स क्या है? अगर इसे रोमांचक अंदाज में समझना हो तो क्या करना होगा? खैर, रोमांचक अंदाज में समझना हो तो थॉट के साथ साथ एक्सपेरिमेंट जरूरी है, नहीं? तो अगर किताबी भाषा में फिजिक्स को बताएं कि क्या है, तो एक शाखा है विज्ञान की जो डील करती है, ध्यान से सुनिएगा, एक शाखा है विज्ञान की जो डील करती है, डील करती है नेचर या प्रकृति की घटनाओं से, नेचर या प्रकृति की घटनाओं से डील करती है, नहीं? कैसे डील करेगी, कैसे डील करेंगे? क्लास में हम विद्यार्थियों कैसे डील करते हैं, पढ़ाते हैं तो फ्रंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो वीडियो पे क्लास अब सवाल भी नहीं पूछ सकते। क्लास में तो कौन सा सवाल कहां से कब कैसे बच्चे करेंगे, उनको डील किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो क्वेश्चन पूछ के उसका जवाब दे के, उसके निष्कर्ष पर पहुंच के, उसको समझकर डील करते हैं। तो प्रकृतिक की घटनाओं से जो डील है वो क्या है, तो इस डील के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, बाय क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना। दूसरा, बाय अंडरस्टैंडिंग, प्रश्न पूछकर समझना। और तीसरा, कंक्लूडिंग, निष्कर्ष निकालना। अब प्रश्न क्या है, बाय क्वेश्चनिंग, वो न्यूटन का एग्जाम्पल कितना बढ़िया रहेगा, एप्पल सेब नीचे ही क्यों गिरा, बाय क्वेश्चनिंग, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा,
हो गया, अब प्रश्न पूछ लिया आपने, प्रश्न पूछकर समझना होगा कि भैया बाई अंडरस्टैंडिंग में कि भैया कोई भी वस्तु बिना फोर्स के मूव नहीं करती है, तो बिना फोर्स के फॉलो नहीं गिरा होगा, एप्पल भी बिना फोर्स के तो गिरा नहीं होगा, तब जाके समझकर एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग कि ग्रेविटी की वजह से गिरा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पहुंचे निष्कर्ष पर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ला दिए भाई, पृथ्वी कोई भी चीज अपनी ओर खींचती है, इसके पीछे उसका गुरुत्वाकर्षण पावर है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तीन चीजें, बाय क्वेश्चनिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय कंक्लूडिंग, ये तीनों चीज जो भी व्यक्ति कर रहा है वो निश्चित रूप से नेचर या प्रकृति को, प्रकृति की घटनाओं को समझ रहा है, निश्चित रूप से समझ रहा है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह से बाय क्वेश्चनिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय कंक्लूडिंग के आधार पर प्रकृति की घटनाओं से डील किया जाए, तो निश्चित रूप से आप फिजिक्स को बड़े ही रोमांचक अंदाज में वास्तव में समझेंगे। यकीन कीजिए, पढ़ेंगे ही नहीं फिजिक्स, केवल समझेंगे ही नहीं, मेरे ख्याल से इस तरीके से पढ़ने पर आप फिजिक्स को जिएंगे। नहीं, एक छोटी सी बात है, सवाल यह है नहीं है कि हम चैप्टर पढ़ा दिए, हम कितना इंटरेस्ट आपको उस विषय में पैदा कर दिए, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो पहले सब्जेक्ट के नेचर को तो समझोगे ना, तभी तो किसी चैप्टर पे जाओगे, फिर चैप्टर के नेचर को समझेंगे, फिर उस चैप्टर को समझने के बाद उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फिर समझेंगे क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आते हैं नहीं आते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं। जब हम चैप्टर डील करेंगे तो उस पर क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जो आपके जो व्यक्तिगत समझ है, जो मानसिक विकास है, वो होना चाहिए। इसलिए इन सब विषयों पे आपका ध्यान आकर्षित कराना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। ठीक है, निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।